लालू जी नीतीश जी से लेकर सब लोग। वैसे तो देश का हर नेता इस्तेमाल करता है, जब जब चुनाव और सत्ता की बारी आती है तब तब हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं जनता को, सपना दिखाते हैं, उम्मीद दिखाते हैं और फिर चुनाव के बाद उसके विश्वास को कुचल देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांपना आपके साथ। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन ऐसे देश के किसानों को उनके हक के आज इतनी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही है, किसानों की हकमारी की जा रही है। और नौबत ये है कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसानों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, लेकिन ये कॉरपोरेट सरकार किसानों की सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जबकि देश का एक बड़ा वर्ग किसानों का है और देश को एक बड़ा फायदा किसानों के द्वारा ही मिलता है। ये बातें जब सुप्रीमो पप्पू यादव के द्वारा कही गई, जहां पप्पू यादव बिहार के अरवल जिला पहुंचे थे, किसानों के द्वारा वहां धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, जहां पप्पू यादव ने किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और तकलीफों को सुनकर सरकार पर जमकर कटाक्ष बोला। पप्पू यादव ने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए सरकार को कॉरपोरेट की सरकार बताया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला और पप्पू यादव ने सरकार की किस तरीके से किरकिरी उड़ाई है, किसानों के हित को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, छोड़ जाते इस पूरी बातों के साथ। लालू जी नीतीश जी से लेकर सब लोग। वैसे तो देश का हर नेता इस्तेमाल करता है, जब जब चुनाव और सत्ता की बारी आती है तब तब हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं जनता को, सपना दिखाते हैं, उम्मीद दिखाते हैं और फिर चुनाव के बाद उसके विश्वास को कुचल देते हैं। उन्हें लगता है कि मुद्दे, ये सब मुद्दे चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। यदि मुद्दा दिखता भी है तो जैसे ही भीड़ तंत्र जो है आजकल लोकतंत्र बन गई है, भीड़ है तो प्रभावित करेगा। ये जो हमारे मित्र अभी पुनपुन बेतरनी और धर्मपुर बेतरनी दोनों दो दो चीफ मिनिस्टर ने इसको निर्णय करके पुल बनवाने का काम किया कि हम पानी देंगे, आज तक इसमें पानी नहीं आए। और जो चार गुना दाम की मुआवजा की बात है, मनमोहन सिंह के समय में ही चार गुना दाम की बात हो गई थी, लेकिन अब छह गुना है। और हमको ये मनमोहन सिंह जी के पहले के दाम में हमारी जमीन का ये मुआवजा देने की बात कर रहा है और आप हमको नोटिस भी नहीं देते हो। तो बिना नोटिस को आप हमसे सब कुछ छीनना भी चाहते हो, मेरे बच्चे का जिंदगी लेना चाहते हो, तो आप हमको मुआवजा देंगे ना? सही मुआवजा चाहिए। अभी जो सब जगह लड़ाई है, बक्सर से लेके सभी जगह जो लड़ाई हुई है, और दूसरा है पुराना जगदेव बाबू के नक्शे लागू हो, मतलब गो बंसी रत्नी प्रखंड, तो पुराना मांग है कि जगदेव बाबू ने जिस नक्शे पर हमारी हमीद नगर पुनपुन परियोजना 1995 के पहले इस हमीद परियोजना की बात जो हुई थी, तो जो नहर की बनने की बात जगदीप बाबू से लेकर उस नक्शे पर इस इलाके के किसान चाहते हैं, कहती है कि ये मेरी जमीन है, तो हमारी हमको रसीद कैसे मिला है? इन सारे मुद्दों पर हम डीएम से भी आज बात करेंगे अभी तुरंत, और इस मुद्दों पर हम आलोक जी से भी बात करेंगे, जो फसल है अभी कुछ जात पात में ज्यादा उनको इसकी चिंता कम है, जात पात की चिंता ज्यादा है कि गाली देंगे तो बड़का नेता हो जाएंगे, कोई कुरान शरीफ कोई रामायण, इसकी चिंता नहीं। तो ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इस इलाके की जिंदगी है,
जहानाबाद 3-4 ब्लॉक, अरवल 3 ब्लॉक और औरंगाबाद। इसीलिए इसको हमने आग्रह किया है हर प्लेटफॉर्म पर आम आदमी को की आवाज बनाया जाए इस लड़ाई को, सोशल मीडिया से लेके हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक और मुख्यमंत्री जी से लेके मंत्री तक हर प्लेटफॉर्म पर इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। मैं बधाई देता हूं इस गांव के बुजुर्गों को और हमारे नेता लोगों को, आस पास के गांव को और हमारे सारे लीडर भी यहां बैठे हैं, और विशेषकर हम अपने अनुज रोशन जी को, जिन्हों को मैंने कहा था कि आप गांव जाइए और उस इलाके के जो मुद्दे हैं उसकी लड़ाई शुरू करिए। तीनों ने सबको जोर कर एक लड़ाई की आवाज शुरू की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने नेताओं से आग्रह करूंगा कि हर दिन जो समय आप पान चाय की दुकान पर लगाते हैं वो 2 घंटा मॉरल नैतिक ताकत के लिए इस गांव में लगाइए और इस गांव में बैठिए, ताकि हर दिन आवाज जाए, आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी इस लड़ाई में हो और आप कल के इतिहास बने। इस लड़ाई को जब तक जीतेंगे नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस संकल्प के साथ पंडित जदुनंदन शर्मा जी, सहजानंद सरस्वती साहब और जगदेव बाबू के उस विचारों के लड़ाई को इस मगध की धरती पर लड़ने की जरूरत है। पहले भी 2-2 बार हम 100-100 किलोमीटर पदयात्रा गया में कर चुके हैं, औरंगाबाद से गया पानी के सवाल पर। लड़ाई व्यापक है, लड़नी होगी, और पानी यदि हमारी हमें खेत में हमें मिल गया तो जहानाबाद के किसानों की ताकत है कि वो कम से कम मगध को वो भूखा रहने नहीं देगा और गरीब रहने